हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो भाई, दिल्ली का पॉल्यूशन जैसे कि पहले कम हो गया था बारिश के बाद, बारिश हुई थी एक दिन के लिए, उसके बाद कम हो गया था। अब वही कंडीशन दोबारा आ गई है, वो बढ़ गया है पॉल्यूशन, और फिलहाल ऐसी कंडीशन है। अभी तो क्लियर है, अभी 246 दिखा रहा है, तो वैसे तो क्लियर है। बट कल रात भाई, कल दिवाली के दिन AQI कई कई का बहुत ज़्यादा था, 999 यानी 999 भी कई जगह रिकॉर्ड किया गया, और जो आनंद विहार वाला एरिया है वहाँ वो 890 कुछ के करीब था AQI। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ज़बरदस्त वाला। बट ये ढल जाएगा, पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता। जहाँ इतना वॉर हो रहा है, जहाँ इतना बारूद फूट रहा है, वहाँ का पॉल्यूशन लेवल नॉर्मल 67-70 में अभी देख रहा था एक न्यूज़ में, वहाँ पे जहाँ हमास का ये युद्ध चल रहा है वहाँ पे तो इतना नॉर्मल AQI है। और यहाँ दिल्ली का जहाँ पे इतना कोई पॉल्यूशन का वो नहीं, गाड़ियों का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। गाड़ियों का है, मैं उसका वो देख रहा था कि कितने परसेंट है, 14% गाड़ियों का है, और जो पराली का है वो 44% दिखा रहे थे कि परालियों का धुआं 44 है। चलो मैं मान लेता हूँ कि एक दिन की दिवाली की वजह से भी पॉल्यूशन हो गया होगा, होगा वो तो ऑब्वियस है, बट भाई वो डेली का तो नहीं है, डेली का त्यौहार तो नहीं है, तो दिवाली के त्यौहार पे तो इतना पॉल्यूशन हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो बेयर करना पड़ेगा हम लोगों को भी और सबको भी। बट ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग फेस्टिवल है, कोई किस तरीके से मनाता है, कोई किस तरीके से। सो दिवाली ओवरऑल बहुत अच्छी रही, और ठीक है पॉल्यूशन लेवल भी थोड़ी दिन में ठीक ही हो जाएगा। इस टाइम पे होता ही है, हमेशा पिछले लास्ट 20 ईयर से ऐसा ही चल रहा है। उसका रीज़न जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो पराली पहले जलती नहीं थी, पहले क्या होता था हाथ से कटाई होती थी, अब मशीन से कटाई होती है। तो मशीन से जब कटाई होती है करीब 1.5 फिट का जड़ से और 1.5 फिट ऊपर का रह जाता, तो उसको किसान भी क्या करे, उसके लिए डबल मेहनत करे, पहले मशीन का पैसा दे और फिर उसको काटने का पैसा दे, तो भाई इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा और मार्केट में उसका प्राइस भी नहीं मिलेगा इतना, तो उसको वो जलाना पड़ता है, ये रीज़न है। और ये भाई हमने कवर ले लिए इस सोफे के, सारा घर फैला पड़ा है। कल रात हम करीब आए थे 1:30 बजे के करीब नीचे, और खूब बम पटाखे हमने भी चलाए, भाई सब चला रहे थे तो हमने भी चलाए। एंड आके भाई आपने वीडियो देखी, वो वीडियो एडिट करी, एडिट करने के बाद पूरा अपलोड किया, अपलोड करके फिर मैं सोया था। सुबह उसकी सारा जो भी टैगिंग वगैरह करता हूँ वो करके फिर अपलोड 11 बजे, मतलब आप लोगों ने देख ली, नहीं देखी तो भाई एक बार जाके देखना। दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी हमने, आई होप आप लोगों ने भी करी होगी। सो अगर आपकी भी दिवाली बहुत अच्छी गई तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना आपने क्या क्या किया, कुछ नया किया, या जैसे हमेशा करते आ रहे हो ऐसे ही आपने भी दिवाली सेलिब्रेट करी। सो Tiger 3 भाई लॉन्च हो गई है, मतलब रिलीज़ हो गई है। सो आप लोगों ने देखी, कैसा रिव्यू है, कैसा उसका रिजल्ट है वो बताओ। मैंने आज प्लान कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ, शाम का प्लान है, अगर मेरा भाई मान गया तो हम लोग Tiger 3 भी देखने के लिए चलेंगे। एंड कल तो भाई एक मुंबई के पास कोई जगह है, वहाँ पे थिएटर में आग लगा दी। आग क्या लगाई, जब मतलब स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई उसकी, और भाई फैंस इतना मज़े करने के मूड में आ गए कि उन्होंने वहीं पे रॉकेट जलाने, एक तो दिवाली का टाइम था, सबके पास पटाखे वटाखे अवेलेबल थे, तो वहीं थिएटर में ही बम पटाखे चलाने शुरू कर दिए। वो वीडियो वायरल हो रही है, न्यूज़ में दिखा रहे हैं। हमारा ये बाबूजी तो बहुत शरीफ है, ये सीधा, ये देखो, ये है चंडाल, ये पॉटी करती घूमती है, यहाँ चंडावला है ना, चंडाल है ना, चंडाली।
ये मम्मी के साथ गए थे। मम्मी इन्होंने मंदिर में क्या कर रखा? देख लो। क्या ये बहुत शैतान है भाई, इतनी शैतान मैंने पिल्ला नहीं देखा कोई अपने घर में जितना ये चिरेटी है। बहुत ज्यादा, अभी इनको दीदी के घर छोड़ के आऊंगा, वही संभालेगी, उसी की एक्चुअली है। अब ये मम्मी के पास आके बैठ जाती है, मतलब मम्मी मम्मी को उसने दे दिया, कहते कि तुम इसे मोटी ताजी करके भेज दो। पापा पापा चिल्ला रहे हो, हेलो तो कर दो, से हेलो। हेलो, कैसे हो? अरे उनसे तो पूछो कैसे, क्या कर रहे हो? ये काट लेगा आपको, ये नहीं काटेगा। काटता है आपको, बहुत तेज भागती है ना। तो अभी वापस इन्हें डेली मतलब दीदी के घर छोड़ के आऊंगा, क्योंकि शैतान बहुत है। और यहाँ पे भाई इन्हें मम्मी को भी नीचे लेके जाना पड़ता है, क्योंकि घुमाने के लिए, क्योंकि जो हमारा मेरा अपना घर है जहाँ पे मम्मी रहती है, मेरा होम टाउन, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो फ्लोर सिस्टम है, तो फ्लोर से नीचे जाने में मम्मी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है लिफ्ट में भी। और यहाँ वहाँ पे क्या सिस्टम है, घर से बाहर निकले, गली है खूब चौड़ी और खूब आराम से ये भी घूम लेते हैं, और मम्मी को भी ईजी रहता है। और वहाँ एक नॉर्मल रूटीन रहता है कि सब जानते हैं, यहाँ पे इतना कोई जानता नहीं है मम्मी को, तो उन्हें अजीब लगता है कि यार मैं कहाँ आके फंस गई। सो जो अपना अपना जहाँ पे आप रहे हो कई साल, वहाँ पे जो रहने का मज़ा है वो अलग ही है। सो उनके साथ भी यही वैसा ही कुछ है। सो फिलहाल अभी मम्मी जाएंगी दीदी के घर, इसको छोड़ के आएंगी मेरे साथ, और शाम को जो प्लान मैं आपको बता रहा था टाइगर 3 का, वही है। और अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो वो है, अदरवाइज देखते हैं कैसा होता है। एंड एक मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि क्योंकि दिसंबर में हमारे यहाँ पे शादी है, एंड मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि अभी नवंबर में ही अपने जो ट्रिप्स वगैरह की हैं वो प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि नवंबर में ही मैं निकल जाऊँ जो मुझे कैंपिंग का ट्रिप करना है। सो विंटर कैंपिंग आपको नई सीरीज़ अभी जल्दी देखने को मिलेगी, वो भी देख लेना। एंड और क्या बताऊँ, बहुत कुछ है बताने को और टाइम बहुत कम होता, तो धीरे धीरे करके अभी आगे आगे मैं आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखो, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो। सो भाई फिलहाल टाइम हो रहा है 7:15, हाँ 7:15, 7:20 हो रहे हैं। और भाई आज का मूवी का प्लान हमारा पोस्टपोन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें जाना था इनॉग्रेशन में, और वो मेरे को पता ही नहीं, मैं भूल ही गया था, भुलक्कड़ हुआ पड़ा हूँ। सो उसमें जाना पड़ेगा, जाना क्या पड़ेगा वो मैं वो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें जाएंगे, मूवी बाद में देखेंगे। और फिलहाल मम्मी को छोड़ता हूँ, और मम्मी जाएंगी दीदी के घर क्योंकि उनका टेलर आया हुआ, और इन दोनों को भी छोड़ के आऊँगा। ये बहुत शैतान है भाई, हर जगह इसने सूसो पॉटी कर करके ना दिमाग परेशान करा हुआ है, और वो बेचारा शरीफ सा वो अब भी डर डर के बैठ रहा है। जैक, ए जैक आजा बच्चे। तो आज का अभी फिलहाल यही है, और निकलते हैं फिलहाल घर से, क्योंकि ट्रैफिक आज भी बहुत मिलने वाला, आधे लोग आज ही कर रहे हैं जो गोवर्धन पूजा, और आधे लोग कल करेंगे शायद, मेरे हिसाब से हम लोग तो कल कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली से अगले दिन होती है, आपकी बार कुछ तिथि विथि का चक्कर है, तो इस चक्कर में कुछ लोग कल करेंगे, हम भी उन्हीं में से हैं जो कल करेंगे। सो दिन में इतना पॉल्यूशन नहीं दिखता जितना पॉल्यूशन रात में दिखता है, पता चलता है एक्चुअली लाइटों के रिफ्लेक्शन में पॉल्यूशन का आइडिया हो जाता है कि कितना है। भाई की गाड़ी में क्या हो गया, जो भी हुआ। सो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ, और मैं जा रहा हूँ अभी मम्मी को छोड़ने, एंड देन हम जाएंगे वहाँ पे इनॉग्रेशन में। सो आते हैं वहाँ से, मतलब ये गेम इन्वेंट किसने किया था, कब से खेल रहे हो आप लोग इसे? छोटे से तो हम WWE खेलते थे, अब हम वो खेलते हैं, क्या कहलाता है ये हमने खेला है जब हम लोग 4th 5th में होंगे, तब से मेरा 4th। तुम इस माला को निकाल सकते हो वैसे। सो भाई ये पहली बार मैं मतलब मैं उनो फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, सो देखते हैं जीतते हैं नहीं, कैसा चलता है गेम। सो लेट्स प्ले। ये डिफरेंट डिफरेंट भाई, नॉर्मल गेम ऐसा खेल लो जिसमें हमारे पत्ते जीतने वाले हो, ये तो ऐसा
अलग ही रूल है, मतलब एक ही कलर के डिफरेंट डिफरेंट पत्ते तुम डाल सकते हो। भाई दोबारा से खेलेंगे अच्छा रूल कैंसिल बीच में गेम के मेरे चार निकल गए। तो अब मतलब अब कैसे करना है ये? अब नहीं डाल सकते, दो तीन एक ही पत्ता एक साथ डालेंगे। मतलब कोई बंदा पहली बार खेल रहा हो उसको इस तरीके से वो करते हैं, मतलब एक पत्ता बचा हुआ और तुमने हाथ में इतने थमा दिए, गलत है यार। कॉट करूं अच्छे से समझ आ जाए ना, आगे से गलती नहीं हो। आपने कॉट इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आपने पूरा नहीं किया। चलो कोई नहीं, फंस गया मैं। सो भाई मैं आधा गेम छोड़ के आ गया, मेरे को इसने फंसा दिया। तनु ने कहते उनो नहीं बोला मैंने, तो चार पत्ते और उठाने पड़ गए, तो इसलिए मैं फंस गया। गेम ही छोड़ के आ गया, आना नहीं है भाई, आना नहीं है। सो अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं भाई, गेम शेम भी खेल लिए आज तो, पहली बार सही था मतलब। हाँ ताश से थोड़ी सी डिफिकल्ट, मतलब अजीब सा है, चार प्लस दो प्लस अजीब, स्किप कर सकते हो, डिफरेंट मल्टीपल वो हैं इसमें। कौन आ गया? दिल्ली के पॉल्यूशन की कंडीशन देख लो भाई, रात के बज रहे हैं 12:13, 14th है आज, और मतलब 14 हो गई। आप ये व्लॉग देखोगे आज से अब से 12 घंटे बाद, और देखो स्मॉग कितना है। सो भाई अब फिलहाल हम उनके घर से निकल गए और जा रहे हैं अपने घर। सो इस व्लॉग को अभी यहाँ पे ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एडिट करूँगा घर जाके, और कल सुबह आप ये व्लॉग देखोगे। सो एंड करते हैं इस व्लॉग को। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।